देखिए इस वक्त बड़ा बयान आ चुका है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गठबंधन में रह पाना बड़ा मुश्किल था। नीतीश कुमार का बड़ा बयान जेडीयू की बैठक के बाद, जिसमें वो महागठबंधन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आरजेडी के साथ काम करना मुश्किल था, नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान। अनुप्रिया जी, नीतीश कुमार का भी ये बयान आ चुका है, लेकिन एक सवाल यहां पर नैतिकता का है, एक सवाल यहां पर क्रेडिबिलिटी का है, भरोसे का है, उम्मीद का है। वो नीतीश कुमार जो अब तक कहते रहे कि आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम दिग्गज नेता जो कहते रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में नहीं होगी, अब सब कुछ बदल जाएगा 4 बजे के बाद, सवाल यहां पर नैतिकता का बच पाता है या नहीं बच पाता है? देखिए, क्रेडिबिलिटी की बात और आइडियोलॉजी की अगर बात मुझसे आप पूछते हैं तो ये मुझसे बेहतर जवाब ये बिहार की जनता देती है। ठीक है, बिहार की जनता जवाब देगी, और निश्चित तौर पर जनता को भी ये समझना होगा कि उन्होंने किसको वोट दिया था, कौन सरकार चला रहा है। मतलब सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अलायंस कुछ भी हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। विकास हमारे इस योगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विकास, क्या जानकारी ग्राउंड जीरो से मिल पा रही है? ऐसे में उनका निर्णय सीधे तौर पर यही हुआ कि उनको पाला बदलना ही उचित होगा। जी ज्योति, नीतीश कुमार जो हैं किसी भी वक्त बाहर आने वाले हैं। अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है राज्यपाल को, और नई सरकार के जो का जो दावा है वो भी उन्होंने पेश कर दिया है, और किसी भी वक्त इस दरवाजे से नीतीश कुमार बाहर आएंगे। अपना इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया है, जिसके बाद नई सरकार के गठन की जो है कार्रवाई वो शुरू हो जाएगी, और वो वक्त तकरीबन 4 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। और जब उस वक्त पहुंचेंगे नीतीश कुमार, तो उस वक्त बीजेपी के कई सीनियर लीडर और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनके भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की बात सामने आ रही है। 1:30 बजे के आसपास जेपी नड्डा दिल्ली से निकलेंगे, तकरीबन 3 बजे के आसपास वो पटना पहुंचेंगे। आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कि वो तस्वीरें दिखाते रहे, हमने जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया को बीच में रोका था। अनुप्रिया माफी चाहते हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, आपने फिर कहती हूँ कि अगर सवाल आप पूछते तो पहले जवाब ले लिया जी। बिल्कुल बिल्कुल अनुप्रिया, इंटरप्ट करते हैं। देखिए, आइडियोलॉजी और मैं क्रेडिट की बात कर रही हूँ कि 2005 से लगातार मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे भी चाहे किसी अलायंस के साथ हम रहे हैं, बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री को अपना एक बहुत ही विश्वसनीय मुख्यमंत्री माना है। क्योंकि देखिए, बिहार में अगर चौतरफा विकास हुआ तो नीतीश कुमार जी के कारण हुआ है। और आज भी बिहार में अगर जाति आधारित जनगणना के बाद में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, नीतीश कुमार जी ने लिया है, और बिहार में बिहार एक सुरक्षित हाथों में। लेकिन निश्चित तौर पर आप जो बात करेंगे कि अलायंस के बारे में, अलायंस कुछ भी हो, हमने कभी भी किसी का दरवाजा को खटखटाया नहीं है। और आप उसे पूछेंगे स्टेटमेंट की बात, मुझे नहीं लगता कि अभी तक। लेकिन अनुप्रिया, अनुप्रिया कुछ और फैक्टर्स हैं जो बताए जा रहे हैं। ठीक है अनुप्रिया, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। कुछ और फैक्टर्स हैं जो गिनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि देखिए, ये फॉर्मूला तय हुआ था कि 24 से पहले तेजस्वी की राज्य में ताजपोशी होगी, जो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाला बदल लिया।